आदित्य, अभी आज युद्ध पर जाना जरूरी क्यों है? गुरुकाल ने कुछ तो जरूर किया होगा किरण को रोकने के लिए। इसका मतलब यही है कि वो जान चुका है, मुझे सच्चाई दिख चुकी है। कोई ना कोई भयानक पलटवार की तैयारी कर रहा होगा। वो शैतान गुरुकाल रात के अंधेरे में ही वार करेगा, मैं उसे समय नहीं दे सकता। लेकिन आदित्य, उस गुरुकाल की शक्तियां अंधकार में अधिक होती हैं, तो फिर आप अंधेरे में उसका सामना कैसे करेंगे? अंधेरा कितना भी घना हो, रोशनी की एक किरण उसे मिटा देती है। उसी तरह सूर्य की पहली किरण निकलने के साथ ही हम गुरुकाल के जादुई कवच को ध्वस्त कर देंगे। तुम अभी का ख्याल रखना। गुरुजी ने कहा था कि अवि पर तब तक कोई संकट नहीं आ सकता जब तक आदित्य अवि के पास है। हे ईश्वर, मेरे बच्चे और आदित्य की रक्षा करना। हुकुम। शक्ति सिंह, तुम? प्रणाम हुकुम। हम इस युद्ध में आपका साथ देने आए हैं। महाराज की आज्ञा के विरुद्ध? चाहे महाराज हरिसेन की आज्ञा ना हो, लेकिन हम जानते हैं आप जो भी कर रहे हैं सूरजपुर की रक्षा के लिए कर रहे हैं। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन अगर आप लोग सुबह होने तक का इंतजार कर ले तो? और अगर गुरुकाल ने रात में ही धावा बोल दिया तो? आखिर सूरजपुर के सेना हैं हम, सूरजपुर की रक्षा हमारा कर्तव्य है। मैं और मेरे 300 सैनिक हर हाल में आपके साथ हैं। आप और आपके कर्तव्य के बीच में मैं नहीं आऊंगा। अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो जीत निश्चिंत हमारी होगी। चलिए सब। अंधकार घना रहे, गुरुकाल का साम्राज्य बना रहे। सदियों से तेरे और मेरे वंश की ही लड़ाई है गुरुकाल। सूरजपुर के उन निर्दोष लोगों को छोड़ दो जिन्हें तुमने बंदी बना रखा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें चीटियों की फौज के साथ गुरुकाल का सामना करोगे? देखो देखो मेरी काली शक्तियों के महायोद्धा। तो तुम क्या अपने सेना के लोगों के पीछे छुपकर युद्ध करना चाहते हो गुरुकाल? मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूं तुम्हारे लिए। और अगर हिम्मत है तो अकेला सामना करो मेरा। कुम, अकेले मत जाइए। मैं नहीं चाहता गुरुकाल की विशाल सेना हमारी सेना पर आनी पहुंचाए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं शेर सिंह। अकेले ही मेरा सामना करना चाहते हो मूर्ख? शायद तुम भूल गए, अंधेरे में मैं और भी बलशाली होता हूं और तुम उतने ही कमजोर। तो ठीक है, हो जाए मुकाबला। बातों से जीतोगे गुरुकाल, आओ युद्ध करो, लेकिन युद्ध के नियम का सम्मान करना होगा। मुकाबला हम दोनों के बीच में है और कोई बीच में नहीं आएगा। तुम्हारी अंतिम इच्छा का सम्मान करता है गुरुकाल, कोई भी बीच में नहीं आएगा। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ रुद्र के रक्षक। नियम ये कहते हैं कि मेरे और आदित्य के बीच में कोई नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई और जाकर उसके परिवार का नामो निशान नहीं मिटा सकता।